नमस्कार, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आपका शिक्षक वर्ड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, रीट का जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक टेट का पेपर हुआ था, यानी रीट फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसकी जो है आंसर की आज की है। आप उस आंसर की से अपना जो है उत्तर मिलान कर लीजिए, और दोस्तों मिलान करने के पश्चात आप जो है तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दोस्तों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा का जो है विस्तृत पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो आप तैयारी इस दृष्टि से शुरू कर दीजिए, और जहां तक संभावना है पेपर ये जनवरी के आसपास ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं राजस्थान अध्यापक प्राथमिक अध्यापक जो है दोस्तों, इसका विस्तृत पाठ्यक्रम देखते हैं। चलिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर राजस्थान प्राथमिक का हम देखेंगे दोस्तों, इसके बाद के वीडियो में हम उच्च प्राथमिक का देखेंगे, ठीक है। प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का हम विस्तृत पाठ्यक्रम देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दिया गया है संक्षिप्त विवरण। परीक्षा जो है दोस्तों, ये आपकी 300 अंकों की होगी। और परीक्षा के लिए दोस्तों एक प्रश्न पत्र होगा, यानी एक प्रश्न पत्र जो है प्राथमिक लेवल पर और एक प्रश्न पत्र जो है जूनियर लेवल पे, यानी 6 से 8। दोस्तों प्रश्न पत्र की जो समयावधि है दोस्तों, ये 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे, और ये इसका जो प्रारूप होगा बहुविकल्पी होगा, ठीक है। और देखिए, यहाँ दिया गया है उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का तिहाई भाग काटा जाएगा। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर देना है, ठीक है। अब देख लीजिए, जो राजस्थान प्राथमिक अध्यापक का जो दोस्तों स्ट्रक्चर है, उसका पाठ्यक्रम है, देखिए परीक्षा 300 अंकों की होगी, एक प्रश्न पत्र होगा, और दोस्तों यहाँ पर देखिए समय जो है 2.5 घंटे होगा, और 150 प्रश्न कुल करने होंगे, और बहुविकल्पी पेपर होगा, और यहाँ पर नकारात्मक अंकन जो है दोस्तों दिया गया है 1/3 यानी एक तिहाई भाग जो है अंक काटा जाएगा अगर अशुद्धि होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरा पाठ्यक्रम क्या है। चलिए देखिए, पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीति से जो प्राधिकृत अभिकरण उचित समझे सूचित किया जाएगा, ठीक है। परीक्षा के लिए विषय एवं अंक भार देखिए, अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक के लिए, यानी प्राथमिक अध्यापक के लिए दोस्तों इसका जो पूरा सिलेबस है हम देख रहे हैं, राजस्थान अध्यापक पाठ्यक्रम, ठीक है। चलिए देखिए, दिया गया है क्रम संख्या 1, देखिए यहाँ पर विवरण दिया गया है, और यहाँ पर अंक भार कौन से पाठ सा कितना अंक आ रहा है, ठीक है। देखिए, दिया गया है राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा। देखिए दोस्तों, इससे जो है 100 अंक का प्रश्न पूछेगा, ठीक है। देखिए, भूगोल है, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप कैसा है इसके विषय में क्वेश्चन पूछेगा। आगे है मानसून तंत्र एवं जलवायु अपवाह तंत्र, झीलें नदियां बांध, राजस्थान की वन संपदा के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। वन्य जीव जंतु, वन्य संरक्षण एवं अभयारण्य, मृदा एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें क्या हैं, जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, जनसंख्या घनत्व साक्षरता और लिंगानुपात राजस्थान का कैसा है, ठीक है।
राजस्थान की जनजातियाँ एवं जनजाति क्षेत्र, धात्विक एवं अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन परंपरागत एवं गैर परंपरागत। आगे देखिए, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान में यातायात के साधन। देखिए दोस्तों, दिया गया है। आगे है दोस्तों, उसी पार्ट में देखिए, इतिहास एवं संस्कृति। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ इत्यादि। राजस्थान की संपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था इत्यादि से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। और देखिए यहाँ पर राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक इत्यादि से क्वेश्चन पूछेगा। राजस्थान के मेले, त्यौहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य एवं लोक नृत्य। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं उसकी विरासत से संबंधित क्वेश्चन आएगा। और देखिए, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन जितने हुए हैं दोस्तों, प्रमुख संत एवं लोक देवता, स्टेट से संबंधित लोक देवताओं के से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन आ जाएगा। और राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण देखिए दिया गया है। वस्त्र एवं आभूषण देखिए, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान की चित्रकला एवं हस्तशिल्प है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान क्या था? राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन कैसा था? प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो पूरा पार्ट रहे उसी 100 अंक में जुड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान एवं राजस्थानी भाषा। दोस्तों जितना हम देख रहे हैं 100 अंक में ही ये क्वेश्चन आएगा। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर राजस्थानी भाषा जो दिया गया है, इसका पॉइंट है, राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ कितनी हैं, कैसी हैं, ठीक है। राजस्थान की प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार कौन कौन हैं, राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य के बारे में प्रश्न उठा सकता है। दोस्तों इससे जो है हमारा 100 अंक आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, देखिए दिया गया है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान दोस्तों, इससे दोस्तों इस पॉइंट से जो है 80 अंक आएंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या पूछ सकता है, राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में जानना है हमें, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएँ, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, प्रसिद्ध नगर एवं स्थल, प्रमुख उद्योग क्या है राजस्थान के दोस्तों, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे है, राजस्थान में जो जन कल्याणी योजनाएँ चलाई जा रही हैं समय समय पर राज्य सरकार द्वारा दोस्तों, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों ये जो है 80 अंक से इसमें क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य है, शिक्षण अधिनियम के नवाचार, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएँ एवं पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन एवं प्रबंधन प्रबंधित समितियाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों शैक्षिक परिदृश्य से दोस्तों ये सब पॉइंट हैं, इससे क्वेश्चन हमारा आ सकता है। आगे देखिए, निःशुल्क एवं बाल अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। जैसा कि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो ये कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में हमें पढ़ना है, प्रावधान एवं क्रियान्वित जो है। आगे है, राजस्थान निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों एवं निःशुल्क प्रवेश।
दोस्तों ये देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जो है दोस्तों, उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसे पढ़ना है हमें। और देखिए यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, सामयिक विषय यानी तत्कालीन घटनाएं या जिसे हम करंट अफेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर से दोस्तों क्या है, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राजस्थान में दोस्तों जो आर्थिक सामाजिक भौगोलिक और शैक्षिक जो घटनाएं घट रही हैं उनसे क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए राज्य की अभिनव विकास परियोजनाएं एवं क्रियान्वित, इससे भी क्वेश्चन आएगा। और अन्य जो है समसामयिक विषय, इनसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। ये जो है उसी 80 अंक में आएगा, यानी अब तक का हमने देख लिया 180 अंक का टोटल जो पाठ्यक्रम है प्राथमिक अध्यापक का हमने देखा। आगे चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए पॉइंट नंबर 3 है देखिए। अब दोस्तों यहाँ से हमारा विद्यालय विषय शुरू हो जाता है, ठीक है। विद्यालय विषय देखिए यहाँ से हिंदी है, शब्द भेद संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण संधि समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। दोस्तों हिंदी से जो है हमारा 10 अंक का प्रश्न आएगा, ठीक है, प्राथमिक अध्यापन में। आगे है इंग्लिश है, आर्टिकल है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, आइडियोम्स है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, प्रोवर्ब है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों 10 अंक का हमारा हिंदी है, 10 अंक का हमारे इंग्लिश भी आएगा, ठीक है। पॉइंट यही है, देख लीजिए ये है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, गणित देखिए दोस्तों, गणित से जो हमारा पोर्शन है गणित का, देखिए इससे कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं गणित के। देखिए गणित का दोस्तों 10 अंक आएगा गणित से। पूर्ण संख्याएं, अभाज्य एवं भाज्य संख्याएं, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़ बाकी गुणा भाग, ठीक है, भिन्न की अवधारणा एवं दशमलव संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, प्रतिशत लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, रेखा एवं कोण, समतलीय आकृतियों के परिणाम एवं क्षेत्रफल, ठोस आकृतियों एवं घन घनाभ, शंकु बेलन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों मैथ जो है हमारा 10 अंक का आएगा, देख सकते हैं आप। हिंदी भी 10 नंबर का है, अंग्रेजी भी 10 नंबर का है और गणित भी 10 नंबर का है। ये दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट हैं इनसे जो है 10 अंक निर्धारित किया जा रहा है। आगे देखते हैं सामान्य विज्ञान, देखिए अम्ल क्षारक एवं लवण, तत्व यौगिक एवं मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, गति है, बल तथा गति के नियम, प्रकाश, कोशिका संरचना के प्रकार, जीवों में श्वसन परिवहन और है जंतुओं में जनन। दोस्तों इस टॉपिक से हमारा 10 अंक आएगा, यानी विज्ञान से भी 10 अंक आएगा। आगे बढ़ते हैं सामाजिक अध्ययन देखते हैं। देखिए दोस्तों सामाजिक अध्ययन इसमें भी देखिए राजस्थान एक परिचय, ठीक है, 10 अंक उसी में आएगा। मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, भारत, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव के संरक्षण के बारे में आएगा दोस्तों। राजस्थान में कृषि व्यवस्था कैसी है, भारतीय संविधान भी इसी में है दोस्तों। राजस्थान का संविधान निर्माण में क्या योगदान था, इसके विषय में भी क्वेश्चन आएगा। राजस्थान में लोक प्रशासन, देखिए दोस्तों इसमें क्या है, सामाजिक अध्ययन तो आप जानते ही हैं, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र, समाज क्या कहते हैं, समाजशास्त्र और संविधान वगैरह जो है दोस्तों इसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है, 4 या 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। लेकिन इसी में दोस्तों राजस्थान विशेष भी दे दिया गया है कुछ, ठीक है, अर्थव्यवस्था, परिचय, कृषि, ठीक है, और राजस्थान राजस्थान में लोक प्रशासन। दोस्तों देखिए यहाँ पर इस पेपर में देखिए प्राथमिक अध्यापक में दोस्तों जो है राजस्थान विशेष क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। देखिए चूँकि देखिए 100 नंबर का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड भी 80 है और दोस्तों 10 अंक जो ये दे रहा है इसमें से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं शैक्षणिक रीत विज्ञान, देखिए हिंदी है दोस्तों, हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ कैसी हैं, ठीक है, भाषाई कौशल, सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये प्राथमिक कौशल हैं जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ठीक है, इनका विकास,
हिंदी भाषण भाषा शिक्षण के उपागम चुनौतियाँ क्या हैं हिंदी शिक्षण में, हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री एवं उनका उपयोग, हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आप, ये जो हिंदी भाषा से संबंधित शिक्षण विधियाँ हैं दोस्तों, ये पूरा शिक्षण विधियों से ही क्वेश्चन है, यानी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन जो है दोस्तों इसी से ये है क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों हिंदी से है, 8 अंक आएगा। और यही चीज़ दोस्तों इंग्लिश भी देखिए, इंग्लिश से भी यही क्वेश्चन उठाएगा 8 अंक का, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। देखिए डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज, ठीक है, आगे है देखिए मेथड्स ऑफ इवेल्यूशन रिमेडियल टीचिंग। दोस्तों देखिए ये जो कहते हैं शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन से क्वेश्चन है दोस्तों, हर भाषा का अपना अपना अलग महत्व होता है, ठीक है, तो उसी के अनुसार इसमें दिया जा रहा है। तो इसमें भी देखिए अंग्रेजी से 8 क्वेश्चन आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गणित है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 8 अंक इससे भी है। गणित विषय की शिक्षण विधियाँ देखिए, गणित शिक्षण के उपागम, गणित शिक्षण में चुनौतियाँ क्या हैं, गणित शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग, गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ कैसी हैं, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण देखिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो हर सब्जेक्ट से संबंधित शिक्षण विधियाँ हैं उनसे 8-8 अंक आ रहे हैं, ठीक है, 8 अंक उससे पूछा जा रहा है। ये अदर स्टेट के बच्चों के लिए दोस्तों ये ठीक ही है। चलिए आगे है सामान्य विज्ञान, देखिए यहाँ भी देखिए 8 अंक है। विज्ञान की शिक्षण विधियाँ कैसी हैं होती हैं, विज्ञान शिक्षण के उपागम सहायक सामग्री का उपयोग विज्ञान में कैसा होता है, विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। देखिए दोस्तों हर पोर्शन से यानी हर सब्जेक्ट से 8-8 अंक इसमें लिया जा रहा है, तो ये अच्छा ही है, सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाएगा तो बढ़िया ही रहेगा। देखिए सामाजिक अध्ययन है, देखिए सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति कैसी है, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण एवं अधिगम में सहायक सामग्री कैसी है दोस्तों, कैसा है, सामाजिक अध्ययन में अध्यापन में संबंधित समस्याएं क्या क्या आती हैं वो देखते देखिए, प्रायोजना कार्य क्या है, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रारूप कैसा होना चाहिए, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, देख सकते हैं आप। आगे है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारा है 8 अंक आ रहा है शैक्षिक प्रदृश्य से दोस्तों, 8 अंक हिंदी से रहेगा, 8 अंक रहेगा अंग्रेजी से, 8 अंक विज्ञान से, 8 अंक जो है सामाजिक अध्ययन से। देखिए आगे बढ़ते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान दोस्तों, यही जो मेन पार्ट है हमारा, एक टीचर के रूप में इसका अध्ययन हमें अति आवश्यक करना हो जाता है। तो दोस्तों इससे जो है 20 अंक का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान अर्थ एवं क्षेत्र एवं कार्य, देखिए बाल विकास अर्थ बाल विकास के सिद्धांत एवं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। आगे है बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण, व्यक्तित्व संकल्पना प्रकार व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व मापन, बुद्धि संकल्पना, विभिन्न बुद्धि सिद्धांत मापन, अधिगम का अर्थ एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, विभिन्न प्रक्रियाएँ। देखिए दोस्तों ये हमारा जो है बाल विकास एवं शिक्षण जैसे क्वेश्चन है, इसका पॉइंट है। देखिए आगे है दोस्तों विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े विबंधित व प्रतिभाशाली सृजनशील विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा बाल विकास है उससे 20 अंक का क्वेश्चन आएगा। देखिए आगे है अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ एवं चुनौतियाँ, अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव, समायोजना की संकल्पना, तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका क्या होती है। दोस्तों इससे हमारा जो है इससे 20 क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं सूचना तकनीक दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिया गया है लास्ट इसका पार्ट है, यानी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं और नई नई तकनीक से क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण टूल्स, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग क्या हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। दोस्तों इससे जो है 10 अंक पूछेगा, ठीक है। दोस्तों ये है जो और हमारा राजस्थान प्राथमिक अध्यापक दोस्तों पाठ्यक्रम है दोस्तों, यही है।
इसी से हमारा जो है 300 अंकों की परीक्षा निर्धारित है और इसमें 150 क्वेश्चन होंगे और परीक्षा का जो प्रारूप रहेगा वो दोस्तों बहुविकल्पी रहेगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं परीक्षा के प्रारूप एवं निर्देश पर। देखिए परीक्षा 300 अंकों की होगी, 150 प्रश्न होंगे, ठीक है, 150 प्रश्न होंगे और बहुविकल्पी रहेगा, समय 2-2.5 घंटा रहेगा समय, और परीक्षा के लिए जो है एक ही प्रश्न पत्र रहेगा, प्राथमिक पर एक और जूनियर पर एक, ठीक है, और नकारात्मक अंकन रहेगा 1/3। कंपटीशन निकालना है अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से, तो आपको राजस्थान विशेष से संबंधित क्वेश्चन जो है उसके सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक इतिहास और उसका जो है अर्थव्यवस्था, लोक प्रशासन कैसा है वहाँ का, उसके विषय में हमें विशेष अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जो है वहाँ पर काम बन पाएगा, ठीक है। क्योंकि आप टीचर जो बनने जा रहे हैं राजस्थान में बनने जा रहे हैं, तो वहाँ का जो है विशेष है पाठ्यक्रम में उसको जगह दे दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जूनियर अध्यापक का जो विस्तृत पाठ्यक्रम जारी किया गया है, ठीक है।